খামোশ হাতটি। बचपन में हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की दिलचस्प सरगर्मियों में इस्लामी उलूम फ़नून में मुकाबला शामिल था। एक दिन दोनों नवासों ने एक सफ़े पर तहरीर लिखकर पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश की और आपसे सवाल किया, हम दोनों में से किसकी लिखाई अच्छी है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फरमाया, तुम दोनों की तहरीर अच्छी है। लेकिन दोनों नवासों ने इसरार किया, नहीं, ये बताइए कि किसने ज्यादा अच्छा लिखा है। आहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे प्यारे नवासों, आपको मालूम है कि मैं कभी मकतब नहीं गया हूं और मुझे लिखने का तजर्बा नहीं है, हत्ता कि वही ये इलाही भी मैं खुद नहीं लिखता। बेहतर है आप दोनों अपने वालिद से ये सवाल पूछें जो लिखना जानते हैं और कातिबे वही भी हैं। हसनैन करीमैन हजरत अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में तशरीफ ले गए और अपने वालिद से वही सवाल दोहराया। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, दोनों की तहरीर साफ और खूबसूरत है। लेकिन दोनों बच्चों ने इसरार करके पूछा, ये बताइए कि किसकी तहरीर ज्यादा अच्छी है। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आप दोनों अभी छोटे हैं और बच्चों के मामले में माएं बेहतर समझती हैं। इस सिलसिले में आपकी वालदा फातिमा बेहतर फैसला कर सकती हैं। इनका फैसला भी मेरा फैसला है, बेहतर है कि उनसे जाकर सवाल करो। दोनों बच्चों ने अपनी मां हजरत फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा से वही सवाल किया तो हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा ने जवाब में फरमाया, दोनों की लिखाई अच्छी है, इन दोनों में मवाजना करना बहुत मुश्किल है। क्या ख्याल है, हम एक काम करते हैं। हसनैन ने अर्ज की, जैसे आपकी मर्जी। हजरत फातिमा के पास हाथी दांत का बना हुआ एक हार था जिसके सात नगीने थे। आपने फरमाया, इन दानों को फेंक देती हूं, आप में से जिसने ज्यादा नगीने जमा किए उसकी लिखाई बेहतर होगी। हसनैन ने फरमाया, अगरचे ये किस्म की कुराकशी है और इससे लिखाई का मुआवजा नहीं कहा जा सकता, फिर भी हमें मंजूर है। हजरत फातिमा जहरा ने नगीने को फेंक दिया। हसनैन दौड़े और इनमें से हर एक ने तीन तीन मोती उठा लिए, लेकिन एक नगीना रह गया। दोनों उसकी तरफ देखते रहे लेकिन उसे उठाना नहीं चाहते थे। इस दौरान इस नगीने के दो टुकड़े हो गए। और इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक एक टुकड़ा उठा लिया। दोनों इस फैसले पर राजी थे। चुनांचे अपनी मादरे गिरामी से फरमाया, बिलाखिर वही हुआ जो हमारे नाना और बाबा चाहते थे और आपने भी इसकी ताहिद फरमाई थी, लेकिन हम इस नगीने को तोड़ना नहीं चाहते थे। इस मौके पर हजरत फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया, नगीने को आप दोनों ने नहीं तोड़ा है, इसे खुदा ने तोड़ा है और जो चीज खुदा तोड़े वो 100,000 सही व सालिम शय से बेहतर है।